Hello students, good morning all of you. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 60. The given below passage is based on the chapter Reach for the Top, Santosh Yadav. नीचे पैसे दे रखे स्टूडेंट, आपके बुक का चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसका फर्स्ट पार्ट संतोष यादव. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको ये जो है पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. संतोष यादव वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज इन हरियाणा. संतोष यादव का जन्म हरियाणा के एक छोटी से गांव में हुआ था. इन ए ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रॉस्परस लैंडलॉर्ड्स. सफल जो है लैंडलॉर्ड्स के घर में, लेकिन फैमिली कंजर्वेटिव थे. कंजर्वेटिव फैमिली में, ट्रेडिशनल फैमिली में. सी वाज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ फाइव ब्रदर्स. वो सबसे छोटी और पांच भाइयों में अकेली बहन थी. एंड नेवर सेटिस्फाई विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई अपने ट्रेडिशनल रहने के तरीके से. सी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेज इन हर चाइल्डहुड. वो बचपन में भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनती थी. एंड प्रेफर्ड सूट्स एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल. सूट्स पहनना वो पसंद करती थी और गांव के स्कूल में ही वो पढ़ी. लुकिंग बैक सी सेड, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड एंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैव टू चेंज नॉट मी. अब भी वो पीछे के बारे में जब सोचते हैं तो उसे याद आता है कि शुरू से ही मैं बिल्कुल डिटरमाइंड लड़की थी कि मेरा रास्ता जो मैंने चुना है वो सही है, रैशनल है, तो मुझे नहीं बदलना बल्कि मेरे साथ रहने वाले लोगों को बदलना पड़ेगा. दिस डिटर्मिनेशन हेल्प हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस. इसी डिटर्मिनेशन ने, दृढ़ निश्चय ने वो भविष्य में उसको सफलता प्रदान की और वो जीवन में आगे बढ़ी. सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी. उसने अपने माँ बाप को भी धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी इफ़ सी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. यदि उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो. फॉर दिस सी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस. इसके लिए वो जो है पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए भी तैयार हो गई. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर. जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया उसको पे करने के लिए, बट लेटर दे एग्रीड. बाद में वो एग्री हो गए. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम सी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर. हाई स्कूल पास करने के बाद उसने महारानी कॉलेज जयपुर में एडमिशन लिया. वो ज्वाइन किया. हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. हॉस्टल में, कस्तूरबा हॉस्टल में उसका कमरा जो है अरावली हिल के सामने ही था. फ्रॉम देयर सी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स. वहाँ से वो देखते थे लोग जो है अरावली हिल्स पर चढ़ते थे, देन डिसअपेयरिंग, फिर वो गायब हो जाते थे. क्यूरियस टू फाइंड द रीजन वन डे सी वेंट देयर. वो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि लोग कहाँ गायब होते हैं. एक दिन वो वहाँ गई एंड फाउंड ए फ्यू माउंटेनियर्स. वहाँ पर उसने कुछ माउंटेनियर्स को देखा. सी आस्क इफ सी कुड ज्वाइन देम. उसने उन माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है. दे नॉट ओनली एग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग. वो एग्री ही नहीं हुए बल्कि उसको प्रेरित किया कि वो भी क्लाइंबिंग करे. सी स्टार्टेड सेविंग मनी. फिर उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए एंड एनरोल्ड हर सेल्फ इन ए कोर्स. और फिर उस कोर्स में, माउंटेनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर. एंड लेटर अप्लाइज फॉर इट. फिर उसने अपने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी कि बगैर उनकी परमिशन से उसने एडमिशन ले लिया. इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, घर जाने के बजाय सी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. वो सीधे ट्रेनिंग के लिए जाती थी. इन जस्ट 4 ईयर्स हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड. 4 साल में ही उसकी क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर हो गई. एंड सी डेवलप रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड. उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ठंड से और ऊंचाई से. एज ए रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, सी कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992. उसकी मेहनत, सिंसियरिटी और आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस और उसकी मेंटल टफनेस के कारण उसने माउंट एवरेस्ट को 1992 में फतेह हासिल की. हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर. उसके जो सीनियर थे वो भी उससे काफ़ी प्रभावित थे, उसके केयरिंग नेचर से, कोऑपरेटिव नेचर से. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन सी सेव्ड द लाइफ ऑफ ए फेलो क्लाइंबर बाई शेयरिंग हर ऑक्सीजन.
1992 में माउंट एवरेस्ट के मिशन में उसने अपने एक साथी की भी जान बचाई, अपनी ऑक्सीजन शेयर की उससे, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर ऑफ हर सी कुड नॉट सेव अनोदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ कोल। साउथ कोल में एक और क्लाइंबर था, उसकी वो जान नहीं बचा पाई। सी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 मंथ्स ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस। 12 महीने के अंदर ही पहली सफलता के बाद उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, बींग ए मेम्बर ऑफ इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपीडिशन। फिर वो इंडियन नेपाली वीमेन एक्सपीडिशन के साथ गई थी सेकेंड टाइम। सी सेट ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। फिर उसने जो एक रिकॉर्ड स्थापित किया माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का, द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्म श्री, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री पुरस्कार दिया। वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा ऑनर होता है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, उसकी सफलता को रिकॉग्निशन करने के लिए गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री पुरस्कार दिया। सी शेयर्ड दैट द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल व्हेन सी अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑन द एवरेस्ट। वो कहती है कि उस फीलिंग को हम वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब उसने एवरेस्ट पर इंडिया का झंडा फहराया था। इट वॉज ए ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, ये वास्तव में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे प्राउड हो रहा था कि मैं एक इंडियन हूँ। सी ऑल्सो कलेक्टेड एंड थॉट एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयज। उसने वहाँ हिमालय से 500 किलो कूड़ा भी, गार्बेज भी वहाँ से उठा कर लाई, वहाँ की सफाई की। बींग ए ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, एक जो है एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में वो वहाँ से 500 किलो कचरा नीचे ज़मीन पर लेकर आई हिमालय से। ओके नाउ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संतोष यादव वाज ब्लैंक विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो क्या थी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को सेटिस्फाई नहीं थी। तो इसका सही आंसर है टू सेटिस्फाई, नो, बी क्वाइट सेटिस्फाइड, नो, अनसेटिस्फाइड। यस द आंसर इज अनसेटिस्फाई, वो अनसेटिस्फाई थी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से। ओके सेकेंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के अनुसार जो ऑप्शन सही नहीं है उसको आपको टिक लगाना है। संतोष वॉज बोर्न इन ए प्रोस्पर फैमिली, यस, प्रोस्परस फैमिली में उसका जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, उसके माँ बाप कीन थे उसको एजुकेटेड करने में, नो no. तो आएगा बी। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियर्स, यस, अरावली हिल पर चढ़ने वाले लोग माउंटेनियर्स थे। सी गोट एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, उसने कोर्स में एनरोलमेंट कर दिया था बिना माँ बाप के परमिशन के, यस, और सारे सही हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, देर इज ए फ्रेज यूज इन द पैसेज रेशनल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रेशनल। रेशनल होता है तार्किक, तार्किक पाथ। तो इनमें से किस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये नहीं है। तो ये देखिए, रैशनल नंबर होता है, रैशनल एक्सप्लेनेशन भी होती है, रैशनल चॉइस भी होती है, रैशनल सुपरस्टिशन नहीं होता है, अंधविश्वास जो होता है सुपरस्टिशन होता है, वो कभी भी रैशनल नहीं होता है। तो इसका आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। उसका कौन सा बिहेवियर संतोष यादव का दिखाता है कि वो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को डिफाई करती थी, नहीं मानती थी। तो ये देखिए इसका आंसर, संतोष यादव डिड नॉट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेज। एक तो ट्रेडिशनल ड्रेसेज नहीं पहनती थी। सी प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनती थी। सी इवन डिसाइडेड टू डू द पार्ट टाइम जॉब टू पे हर फी। उसने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी कहा कि वो अपने स्कूल की फीस पार्ट टाइम जॉब करके पे करेंगी। तो ये उसके बिहेवियर शो करते हैं कि वो कंजर्वेटिव नहीं थी, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में बिलीव नहीं करती थी। ओके नेक्स्ट वन इज, वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशनल फी फाइनली। उसके माँ बाप क्यों एग्री हो गए थे कि वो जो है उसके स्कूल की फ़ी चुकाएंगे। तो ये देखिए इसका आंसर, व्हेन संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब मना कर दिया संतोष के माँ बाप ने संतोष की फ़ी चुकाने के लिए। सी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स, तो उसने इन्फॉर्मेशन दी अपने पेरेंट्स को, अपनी प्लानिंग बताई कि वो कैसे पे करेगी फ़ी टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम, कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और उससे जो अर्न करेगी उससे टू पे हर स्कूल फी, अपने स्कूल की फ़ीस चुकाएगी।
इसलिए वो एग्री हो गई, सो दे एग्री टू पे फॉर आर एजुकेशन, इसलिए उसके माँ बाप हो गए कि वो उसके एजुकेशन को पे करेंगे, एजुकेशन की फ़ी पे करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन जयपुर, क्या हुआ जब वो जयपुर जो है पढ़ रही थी। ये देखिए, फ्रॉम द विंडो ऑफ अ रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल जयपुर, संतोष यूज टू वॉच द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड देन डिसअपीयरिंग आफ्टर ए वाइल। जब वो जयपुर में थी कस्तूरबा हॉस्टल में, तो अपने कमरे से बाहर विंडो में देखती थी कि लोग जो हिल्स के ऊपर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स, इससे वो इंस्पायर हो कि उसे भी हिल्स पर क्लाइंबिंग करनी है, एक्सप्लोर करना है। तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला, जयपुर में ही मिला उसको मोटिवेशन टू बिकम ए माउंटेनियर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कुड सी कंक्वेयर माउंट एवरेस्ट, उसने माउंट एवरेस्ट कैसे जीता था, कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण वो माउंट एवरेस्ट पर उसने फतेह हासिल की। ये देखिए, संतोष यादव वॉज बोर्न इन ए ट्रेडिशनल फैमिली, संतोष यादव का जन्म ट्रेडिशनल फैमिली में हुआ था, बट सी वॉज डिटरमाइंड एंड सेल्फ मोटिवेटेड, वो दृढ़ निश्चयी थी, वो सेल्फ मोटिवेटेड थी। इन जयपुर सी सा द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स, और जयपुर में उसने देखा कि लोग जो है पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स, जिससे वो इंस्पायर हुई कि वो भी जो है माउंटेनियरिंग करेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ आर हार्ड वर्क सिंसियरिटी एंड आयरन विल, उसकी कठिन मेहनत सिंसियरिटी और आयरन विल के कारण सी कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो माउंट एवरेस्ट पर उसने दो बार फतेह हासिल की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, शुरू से ही मैं बिल्कुल डिटरमाइंड थी, एंड इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ, यदि मेरा पाथ सही है, रैशनल है, तार्किक है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे चारों तरफ जो है उन्हें चेंज होना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं, यदि हैं तो वाई क्यों, और नहीं है तो वाई नॉट, क्यों नहीं है तो आपको रीज़न देना है। तो ये देखिए, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री हूँ, यस वी आर विद द स्टेटमेंट, वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट, यहाँ पे एग्री आएगा AGREE, यस वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट। संतोष यादव वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली, आपको बताइए संतोष यादव का जन्म एक हरियाणा के छोटे से गांव में ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। इन हर चाइल्डहुड सी डिड नॉट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस, बचपन में ही वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनती थी, सी प्रिफर्ड शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनती थी। सी वेंट टू स्टडी इन दिल्ली व्हेन गर्ल्स इन हर विलेज गॉट मैरिड, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई जबकि उसकी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती थी उस समय। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके माँ बाप ने मना कर दिया उसके एजुकेशन को पे करने के लिए फ़ी को, सी गॉट देम टू एग्री, तो उन्होंने उसको एग्री करवाया अपने पेरेंट्स को, बाई इन्फॉर्मिंग दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, उसने कहा कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी जिससे अपने स्कूल की फीस चुकाएगी। सी चूज द पाथ ऑफ एक्सीलेंस थ्रू एजुकेशन रैशनल थिंकिंग एंड हार्ड वर्क एंड अचीव्ड अनपैरेलल्ड सक्सेस एज ए वूमन माउंटेनियर, उसने अपना ऐसा एजुकेशन के थ्रू सबसे अच्छा पाथ चुना, उसकी रैशनल थिंकिंग थी, हार्ड वर्क उसने किया जिसके कारण उसने लाइफ में इतनी सफलता हासिल की और वो एक फेमस माउंटेनियर बने। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट वॉज ए ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, ये वास्तव में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए जब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और मुझे अपने इंडियन होने पर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ, आपको भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा फील हुआ है, इंडियन होने पर प्राउड महसूस हुआ है। राइट ड्रो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एनी ओकेजन वैन यू डिड, कोई भी एक ओकेजन आप बताइए जिस पे आपको प्राउड फील हुआ इंडियन होने का। ओके तो ये देखिए, अभी भी आपने देखा होगा कि दिवाली पे जो है किसी ने भी, आप लोगों ने भी क्रैकर्स को नहीं फोड़ा। यस टू मैनी टाइम्स आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, कई बार मुझे प्राउड फील हुआ है। दिस ईयर आई फेल्ट प्राउड टू बी एन इंडियन When we celebrated Diwali without crackers to save our environment, इस बार हमने दिवाली में क्रैकर्स नहीं छोड़े एनवायरनमेंट के लिए, कि हम इतने अवेयर हैं एनवायरनमेंट से
कि हमने क्रैकर्स को नहीं फोड़ा, तो इससे मुझे प्राउड फील होगा बीइंग एन इंडियन। तो आप इसमें अपनी ड्राइंग भी बना सकते हैं और इसमें आप इसको लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं, और भी कोई आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा आप उसको इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये थी आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।